सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में माज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे थे राज्य की विधानसभा की शक्तियों का, जो राज्य के विधानमंडल का जो प्रथम सदन है विधानसभा, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य क्या हैं, उसके है ना अधिकार क्या है। तो हम इसका हम जो है मूलभूत पॉइंटों के आधार पर जो है चर्चा करेंगे। विधायी शक्ति पढ़ेंगे विधानसभा की, वित्तीय शक्ति पढ़ेंगे प्रशासनिक शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, राज्य की विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, देखो जो राज्य सूची में उल्लेखित। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य का विधानमंडल है, जो विधानसभा है, उसको राज्य सूची है ना के विषयों पर क्या बनाने का अधिकार है, कानून निर्माण करने का अधिकार है, अर्थात विधायी शक्तियाँ इसको प्राप्त है। समवर्ती सूची पर भी अधिकार है, समवर्ती सूची के जितने विषय हैं उन पर भी कानून निर्माण का अधिकार है, लेकिन संसद के द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून किसके संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में अगर मतभेद आता है तो वहाँ पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है, वैध होता है या वैध होता है या मान्य, उसमें राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून अनुपालन में नहीं लाया जाता। समवर्ती सूची के विषय की बात कर रहा हूँ मैं, और राज्य सूची के विषय जितने भी हैं उन पर कानून निर्माण का जो कार्य है उस पर काम करती है कौन, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति किसको है, विधानसभा। मैंने आपको बताया पूर्ववर्ती वीडियो में भी या क्लासों में भी आपको समझाया है कि साधारण विधेयक है उन पर कानून निर्माण का अधिकार है ना, कानून निर्माण के लिए साधारण विधेयक मतलब अवित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक से मतलब है अवित्तीय विधेयक, कोई सी भी सदन में चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है उसको विधान परिषद अधिकतम 4 मार रोक सकती, पहले 3 मार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फिर 1 मार रोकती, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है ना, किंतु इसके संबंध में अंतिम निर्णय किसका मान्य रहता है, राज्य की विधानसभा, ठीक है, साधारण विधेयक में भी। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विधानसभा क्या है प्रभावी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि धन विधेयक से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्य के प्रथम सदन जो है राज्य का विधानसभा है ना उसमें ही लिया जाता है। इसके संदर्भ में द्वितीय सदन जो है अर्थात विधान परिषद वो क्या है, गौण है, मूक दर्शक है, ठीक है, नगण्य है, कुछ नहीं कर सकती, मात्र 14 दिन उस विधेयक को या उस प्रस्ताव को रोक सकती, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसमें दिया हुआ है विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण रहता, ठीक है, और विधानसभा क्या करती है, देखो सबसे बड़ी बात क्या करती है बेटा, विधानसभा क्या करती है, प्रतिवर्ष आय व्यय का ब्यौरा अर्थात बजट कार्यवाही सदन में रखवाती, ठीक है, वित्त मंत्री क्या करता है उस बजट को पढ़ता है या सदन के समकक्ष रखता है, ठीक है। आय व्यय संबंधित कोई भी कार्य किया जा सकता है, विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से बेहेतु धन निकाल सकती है, देखो आप विनियोग विधेयक जो है वो पारित होने के उपरांत ही संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से धन आहरित कर सकती है सरकार, ठीक है, संचित निधि पर किसका नियंत्रण रहता है, राज्यपाल का, ठीक है, वैधानिक रूप से, लेकिन उसको व्यवहार में प्रयोगात्मक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो व्यवहार में उनका प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। प्रशासनिक शक्ति की बात में बारे में बात करते हैं हम, तो इसमें देखो आप प्रशासनिक शक्ति के बारे में कि हमारी जो व्यवस्था है संस्थात्मक व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली है ना, राज्यों के क्षेत्र में संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषता किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा की, जितने भी सदस्य हैं पूरे विधानसभा के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर की हम बात करें कि एक विधायक किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा मैंने राष्ट्रपति
मैंने संसद आपको पढ़ाई उसमें भी बताया था कि व्यक्तिगत तौर पे प्रत्येक विधायक को जो है शपथ राज्यपाल महोदय दिला, ठीक है। तो प्रत्येक मतलब प्रति उनके प्रति जो प्रति व्यक्ति की बात आ जाती है तो वो किसके लिए उत्तरदायी रहेंगे, राज्यपाल, ठीक है। और सामूहिक रूप से जो है व्यवहार में किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, संपूर्ण विधानसभा के प्रति, ठीक है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से क्या किए जाते हैं, विधान परिषद के सदस्यों विधानसभा के सदस्यों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पूर्व प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल के विरुद्ध क्या करते हैं, सभी सदस्य निंदा प्रस्ताव भी ले आते हैं या आलोचना प्रस्ताव पास किया जा सकता है, काम रोको, ध्यान रोको, ठीक है ना, ये प्रस्ताव लाया जा सकता है सभी सदस्यों के द्वारा। इनके अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर दिया जाता है किसी भी दल की, अगर सदस्य संख्या मान लो बीच में दल बदल हो गया और बीच में क्या हो गई, संख्या कम हो गई, तो बाकी बचे हुए सदस्य अर्थात जो विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं वो उनके खिलाफ अविश्वास मत ले आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी क्या हो, सरकार गिरने की तैयार हो जाती है। ये कारण मंत्रिमंडल को क्या करना है, क्या करना पड़ता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास लाया जाता है। संविधान में संशोधन की शक्ति, मैंने आपको बता रहा हूँ राज्य की विधानसभा अर्थात प्रथम सदन पढ़ रहे हैं, तो प्रथम सदन भी द्वितीय सदन के साथ मिलकर क्या करता है, संविधान में संशोधन की जो है क्रियाविधि अपनाता है। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है, ठीक है। क्या है, 368 में संविधान संशोधन होता है। अब विधानसभा क्या कर सकती है, विधान परिषद के साथ मिलकर राज्य के संदर्भ में कुछ संशोधन करती है, ठीक है, ऐसी जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है। संसद द्वारा बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन जब संसद संविधान में संशोधन करती है आर्टिकल 368 के तहत, तो आधे से अधिक राज्यों के लिए आधे से अधिक राज्यों की भूमिका होना अनिवार्य है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको पहले भी बताया था, राष्ट्रपति जहाँ पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली में संशोधन करना हो तो संसद के दोनों सदनों के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहभागिता भी होना जरूरी है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करना हो, फेरोबदल करना हो, ठीक है। इस प्रकार की विशेष कंडीशन आती है तब आधे से अधिक राज्यों की भूमिका रहती है संविधान में संशोधन करने, ठीक है। निर्वाचन संबंधी शक्ति, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं लेते, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, और किसमें भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए। एक तो मैंने आपको बताया, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और लेते हैं इसमें लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अब हम देखें कि राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो मैं आपको बता दिया, मैंने विधान परिषद जब पढ़ी थी कि राजस्थान में भी वर्तमान में द्वितीय सदन नहीं है, ठीक है, मतलब विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के लिए प्रथम सदन ने जो विधानसभा जिसको कहते हैं उसने प्रस्ताव पारित करके अनुमोदित करके केंद्र सरकार को अर्थात संसद को भेज दिया है, ठीक है ना। अब भेजने के उपरांत वहाँ से भी अनुमति प्रदान नहीं की गई, अभी क्या है, वो जो प्रस्ताव है वो संसद के पास ही है, ठीक है, अब उसको पारित नहीं किया गया है। पारित करने के उपरांत, ठीक है, पारित करने के उपरांत वो प्रस्ताव कहाँ आएगा, यहाँ विधानसभा में, तब जाके जो है विधान परिषद का निर्माण होगा, है ना। अभी वर्तमान स्थिति में विधान परिषद नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका संबंधित, तो राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी हो, ठीक है। राज्यपाल जो है वैधानिक प्रधान है और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद क्या है, व्यवहार में सभी कार्यों का क्या करती है, संपादन करती है, ठीक है। अब क्योंकि ये संस्थात्मक व्यवस्था है, संस्थात्मक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका में ये कार्य होता है, हमारे देश में संस्थात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अब राज्य का वैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल, राज्य का वैधानिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान, ये सभी नाम इसके लिए राज्यपाल के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप राज्यपाल की नियुक्ति,
राज्यपाल द्वारा राज्य के राष्ट्रपति के प्रयास प्रसाद पर्यंत पद प्रसाद पर्यंत जो है पद पर रहता है। पहली बात तो जो है क्या है, राज्यपाल के लिए जब उस अमुक राज्य में नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। और अभी हमारे देश में व्यवहार में एक ऐसा कानून बनाया गया कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है कि अमुक राज्य के लिए जो है इस राज्यपाल को हम नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दिया गया है, देखो आप क्या क्या है, विशेष कंडीशन में आपको बता दूं, जिस राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में हो रही है तो पहली चीज़ तो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, और क्या है, वह राज्यपाल उस राज्य में तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि वो उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राज्यपाल उस अमुक राज्य में पद पर क्या नहीं हो, नियुक्त नहीं हो जाए, वहाँ तक वो अपने पद पर नियुक्त रह सकता है। और एक राज्यपाल दो राज्यों में भी एक साथ राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। ये हमारे संविधान में उल्लेखित है। और राज्यपाल की उसकी कार्यावधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, 5 वर्ष पहले भी उसको हटाया जा सकता है क्षेत्र के दर्जाधारण के आधार पर। एक राज्य दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक राज्य में राज्यपाल रहेगा, है ना। उसको एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं, मतलब दो राज्यों में भी रह सकता है एक साथ वो, है ना। और उसको मान लो राजस्थान में तो उसको गुजरात भी भेजा जा सकता है, स्थानांतरण भी उसको किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी क्या कर सकता है, अपने पद से स्वैच्छिक त्याग पत्र वो दे सकता है। तो राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं क्या क्या है इसको आप देखिए, तो क्या क्या स्वस्थ परंपराएं राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परंपराएं विकसित की गई है। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, मैंने आपको भी पहले बता दिया मुझे कि राज्यपाल नियुक्त हो रहा है वो पहले तो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या है, है ना, राज्यपाल को नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करेगी परामर्श लेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री मतलब क्या करेगी, संसद उस राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करेगा, परामर्श लेगा कि आपके राज्य में इस राज्यपाल को जो है नियुक्त किया जा रहा है, परामर्श करे तथा इससे सहमति प्राप्त करे, पदियों में योग्यताएं क्या है, ठीक है। पदियों में योग्यताएं देखिए भैया, देखिए बच्चों अब बात कर रहे हैं उसके पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, किन किन कैपेबिलिटी का वो पालन करेगा तब जाके वो राज्यपाल बन सकता है। तो पहली चीज़ तो भारत का नागरिक, ठीक। दूसरी चीज़ वो संबंधित राज्य का जो है नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, वह राज्यपाल संसद तथा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, मतलब संसद के दोनों भाग हैं राज्यसभा और लोकसभा, उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य के विधानमंडल के का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे उसकी अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा, मतलब क्या है, अगर वो किसी भी पद पर आसीन है तो उसको राज्यपाल बनने से पहले उस पद को छोड़ना होगा, अर्थात त्याग पत्र देना होगा। राज्यपाल कोई लाभ के पद धारण नहीं कर सकता, राज्यपाल जो है वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। बात करते हैं हम राज्यपाल के वेतन की, तो वर्तमान में राज्यपाल को 110,000 रुपये मासिक क्या दिए जाते हैं वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क आवास रेजिडेंट निःशुल्क मिलता है, स्थान भत्ते एवं अन्य सब सुविधाएं प्राप्त होगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा क्या करती है, निर्धारित करती है। वेतन भत्तों को संसद क्या करती है, समय समय पर उनमें फेरबदल करती रहती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है राज्यपाल महोदय का वेतन कितना है, 110,000 रुपये, याद करिएगा। अब पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य, देखिए अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियाँ और उसकी कार्य क्या क्या है। तो आप देखिए जो संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में, जिस प्रकार पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उन सभी शक्तियों का अधिकतर शक्तियों का जो है अधिकार राज्यपाल को राज्य के संदर्भ में दिया गया। इसमें कहा गया है देखिए आप, राज्यपाल की स्थिति वो वही है, ठीक है ना। अतः दोनों ही शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर है ना समानता रखी गई है,
दुर्गादास बसु के शब्दों में थोड़े थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान, थोड़े में क्या है राज्यपाल की शक्तियाँ किसके समकक्ष है, राष्ट्रपति के समकक्ष, ठीक है। सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, एक तो कूटनीतिक व्यवहार नहीं दूसरे देशों के साथ इसका, इसका राज्यपाल का, और क्या नहीं है, सैनिक शक्तियाँ इसके पास नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति सभी सेनाओं का, जल थल और नभ तीनों सेनाओं का क्या रहता है, सेनापतियों को नियुक्त करता है, ठीक है, प्रधान सेनापति होता है वो, और राष्ट्रपति, और संकटकालीन, संकटकालीन जो शक्तियाँ हैं वो भी राष्ट्रपति के पास है, वो राज्यपाल के पास नहीं है, क्योंकि वो संकटकालीन उद्घोषणा जारी कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करता है। अब बात आती है कार्यपालिका शक्तियों की, क्या आती है, कार्यपालिका शक्तियों की। अब हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका शक्ति की, जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है, देखो क्योंकि वो राज्य का वैधानिक प्रधान है, ठीक है, राज्य की विधानमंडल के संदर्भ में सभी कार्यपालिकाएं, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के अंदर समाहित होती है, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में जो है वो अपने पदाधिकारियों के माध्यम से करवाता है, मतलब अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम। अब अधीनस्थ पदाधिकारी कौन कौन हुए, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। व्यवहार में राज्यपाल के जो समस्त कार्य हैं उनको व्यवहार में कार्य कौन करता है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। देखिए आप इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वो स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है, वो मुख्यमंत्री को क्या करता, नियुक्त करता। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री को क्या करता है, वो नियुक्त करता है, और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उनके विभागों का वितरण और उनके पद पर शपथ भी यही दिलाता, अर्थात अन्य मंत्रियों को भी यही क्या करता है, राज्यपाल महोदय नियुक्त करता है, अर्थात इसी के नाम से अन्य मंत्री भी जो है नियुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखो, वो राज्य के राजस्थान लोक सेवा आयोग, आप यूँ कह सकते हो, अपने राजस्थान के संदर्भ में बात बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हटाने की प्रक्रिया आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया जो है केंद्र सरकार तय करती है, राज्यपाल महोदय नहीं करता, ठीक है। आगे देखो आप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात करते हैं, प्रधान न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करता है, क्या करता है, अपनी बात का साझा करता है या उन्हें सूचना प्रेषित करता है कि आपके राज्य में ये जो है राज्यपाल, ये न्यायाधीश महोदय को हम जो है नियुक्त कर रहे हैं। राज्यपाल से परामर्श लेता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विषयों तक विस्तृत है। देखो आप, राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने तक सीमित है। समवर्ती सूची हम बात करते हैं, तो समवर्ती सूची के लिए कानून बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल को होता है राज्यपाल, ठीक है, वैधानिक प्रधान है चूंकि, तो उसको संसद क्या करती है, प्रेषित करती है कि आप बना सकते हैं। देखो आप, समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने अधिकार का प्रयोग करता है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हें सुझाव देता है, ठीक है, किन्हें, राज्यपाल महोदय, कि आप इस विषय पर कानून बना सकते हो। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करता है, कौन करता है, राज्यपाल, मंत्रियों के विभागों है ना, उनका निर्माण करता है, विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में क्या प्राप्त करने का अधिकार है, सूचना प्राप्त, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से उनकी विभागों से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल महोदय, ठीक है बेटा। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय से संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, अगर कोई मंत्री क्या करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, व्यक्तिगत निर्णय इस प्रकार ले लेता है कि वो संवैधानिक ढांचे के अनुकूल नहीं है, तो उन सभी विचारों को सदन में रखवाने के लिए उनको क्या करता है, प्रेरित करता है या सुझाव देता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखो, मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल महोदय, उसके पदत्याग, उनके त्याग पत्र स्वीकार करता है। अगर कोई मंत्री क्या करता है, अपने पद के लिए त्याग पत्र देता है, तो किसे सम्मुख देता है, राज्यपाल महोदय के नाम। उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी कर सकता है, मुख्यमंत्री सहित
अन्य मंत्रियों को पद विमुक्त भी कर देता है, अर्थात उनको पद से हटाने का अधिकार भी इसके पास है। लेकिन नहीं देखिए आप, देखो विधायी शक्ति मतलब कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्यपाल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बारे में आप देखो, राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का प्रमुख अंग है कि नहीं, वो विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है मतलब कानून निर्माण के क्षेत्र में, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी प्रस्ताव जो है कानून का रूप नहीं लेता है राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में, ठीक है। वो व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, मतलब जब सत्र शुरू होता है तो उस समय राज्यपाल महोदय क्या करता है, अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, ठीक है। और मैंने चूंकि आपको बता दिया कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। और व्यवस्थापिका को निम्न सदन विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी इसके पास है कि नहीं, राज्यपाल महोदय को है, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों से मंत्रियों को पद से विलोपित करने का अधिकार भी इसके पास है। वो चुनाव के बाद विधानसभा की प्रथम बैठक को संबोधित करता है, करता है नहीं करता, उसके बाद वो विधानमंडल को संदेश भेज सकता है, ठीक है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की क्या है, स्वीकृति आवश्यक, उसके हस्ताक्षर के बिना वो कानून का रूप नहीं लेता है कोई भी विधेयक, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दिया, वो विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा भी सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक को पारित करके राज्यपाल महोदय के समकक्ष या उनके सम्मुख भेजते हैं, कौन, विधानमंडल, ठीक है। और विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस प्रस्ताव के ऊपर, उस विधेयक के ऊपर स्वीकृति देना जरूरी है, ठीक है। कुछ विधेयकों को उपराष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित भी रख सकता है, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो उनके स्वविवेक पर निर्भर नहीं करता, ऐसे विचारों को, ऐसे प्रस्तावों को वो रक्षित करके, सुरक्षित रख के राष्ट्रपति महोदय के नाम ही भेज सकते हैं या उनके नाम से सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए आप, यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है राज्य के विधानमंडल में। देखिए आप क्या कहा इसने, राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो राज्यपाल महोदय क्या करता है, देखो अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 213 फर्स्ट के अनुसार क्या जारी करता है, अध्यादेश। कौन, राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य के संदर्भ में, राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में अगर सदन नहीं चल रहा हो उस स्थिति में राज्यपाल महोदय क्या करता है, उस राज्य के संदर्भ में आर्टिकल 213 फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, अध्यादेश जारी कर देता है, जो सदन शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक क्या रहता है, कानून रूप से प्रभावी रहता है। तो देखिए आप इसमें, अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त है, ये अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को क्या कर दे, 6 सप्ताह पहले ही विधानमंडल इस अध्यादेश को क्या करे, अस्वीकृत कर दे, तो उस अध्यादेश को उस समय क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा, डिस्ट्रॉयड माना जाएगा, बिल्कुल खत्म माना जाएगा, है ना। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक, ठीक है। आगे देखो, राज्यपाल महोदय क्या करता है, विधान परिषद की, देखो आप, राज्यपाल महोदय के पास एक अधिकार है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। 5/6 भाग तो क्या हो जाती है, 5/6 भाग जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति की गुप्त मतदान पद्धति से क्या होते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। लेकिन 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल मोदी को क्या है, एकल अधिकार है कि विधान परिषद में उनको मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब 1/6 सदस्य कौन कौन, ऐसे नामजद सदस्य जिनको कला, साहित्य, संस्कृति, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, है ना, इन इत्यादि क्षेत्रों में क्या हो, विशेष ख्याति प्राप्त हो, इनको विशेष ज्ञान का अनुभव हो, कार्य अनुभव हो, ऐसे नामजद सदस्यों को 1/6 सदस्यों को क्या करता है ये राज्यपाल महोदय मनोनीत कर देता है। देखो आप, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ये विशेष कंडीशन, ऐसा प्रतीत हो जाए, ऐसा महसूस हो जाए राज्यपाल महोदय को कि विधानसभा के अंदर राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में जो है
अगर भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ये चुनाव जीत कर नहीं आ सकते, तो ऐसे एक व्यक्ति को क्या करता है विधानसभा में मनोनीत कर देता है, विधान परिषद में नहीं, विधान परिषद में तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि क्या करता है, एक सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम है ना और आगे पढ़ेंगे इनकी शक्तियाँ और कार्य।